आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ओर से आई एक कथित चिट्ठी से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं। इसके चलते औद्योगिक नगरी पानीपत के रेलवे स्टेशन पर भी अलर्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसको लेकर पानीपत रेलवे स्टेशन पर सुरक्षाकर्मी जांच करते नजर आए। इस दौरान आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर ने कहा कि हम हर समय तैयार हैं। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ओर से आई एक चिट्ठी से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। हरियाणा में रोहतक रेलवे स्टेशन के सुपरिटेंडेंट को एक चिट्ठी मिली है जिसमें देश के 10 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई है। रोहतक रेलवे स्टेशन को यह चिट्ठी मसूद अहमद नाम के एक अनजान शख्स ने भेजी है। जैश के नाम से भेजी गई इस चिट्ठी में दशहरे पर बम विस्फोट कर खून बहाने की धमकियां दी गई हैं। विस्फोट की धमकी देने वाला शख्स मसूद अहमद खुद को जैश ए मोहम्मद जम्मू कश्मीर का एरिया कमांडर बता रहा है। पत्र में लिखा गया है कि हम अपने जिहादियों की मौत का बदला जरूर लेंगे, इस बार हम भारत सरकार को उड़ा देंगे। जैश के नाम से लिखे गए इस पत्र में रोहतक जंक्शन, रेवाड़ी, हिसार, कुरुक्षेत्र, मुंबई सिटी, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, भोपाल, कोटा, इटारसी रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकियां दी गई हैं। वहीं राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, एमपी, यूपी और हरियाणा के मंदिरों को निशाना बनाने की बात कही गई है। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस पत्र की जांच में जुटी हुई हैं। औद्योगिक नगर पानीपत में आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने आवागमन करने वाले हर आदमी और महिला की तलाशी लेनी शुरू कर दी है और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की बात कही है। ये हमारा एक रूटीन अभियान है जो समय समय पर हम स्पेशल ये चेकिंग करते हैं जीआरपी के साथ मिलके। हम ये सारे तकरीबन करते ही रहते हैं, ये हर दूसरे तीसरे दिन वैसे रूटीन डेली होता है हमारा। हमारा ड्यूटी स्टाफ यहाँ खड़ा रहता है, वो इनको लेडीज की लेडीज हमारी कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, और हमारे अधिकारी जीआरपी के सिपाही हमारे और जीआरपी के ये रूटीन चेकिंग करते रहते हैं। जैसे मोहम्मद ने भी कहीं ना कहीं धमकी दी है, उसको लेकर भी कोई अलर्ट घोषित किया गया? उसके लिए हमारी स्पेशल अलर्ट है कि कभी कोई भी ऑफेंसिव गुड्स लेके अंदर ना आए। हमारी यही चेकिंग है हर गाड़ी के अंदर, हर जो गाड़ी यहाँ से बढ़ के चलती है, जो गाड़ी यहाँ आती है, हर पैसेंजर पर हमारी पैनी दृष्टि से हम उसको चेकिंग कर रहे हैं।